दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओनर के अपकमिंग स्मार्टफोन ओनर X20 के बारे में। लीक्स के अकॉर्डिंग दोस्तों X20 सीरीज में दो स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे, X20 SE और X20। ये दोनों भी स्मार्टफोन दोस्तों 5G स्मार्टफोन होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओनर X20 के बारे में, क्योंकि X20 के वाइबो से फर्स्ट लुक बाहर आ गए हैं, साथ ही दोस्तों इस फोन के स्पेसिफिकेशंस भी बाहर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप इस फोन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो दोस्तों जो इस फोन के लाइव इमेजेज आए हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन इस प्रकार का देखने को मिलेगा। डिजाइन तो काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों, लेकिन लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि इसका बैक पैनल जो होगा ये प्लास्टिक का होगा, बट इसमें ग्लास फिनिश मिलेगा। फ्रंट की तरफ से दोस्तों अभी तक कोई भी रेंडर्स निकल के नहीं आए हैं, लेकिन लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि फ्लैट स्क्रीन होगी, ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में पंचोल का कटआउट मिलेगा। तो ओवरऑल डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन बैक साइड से तो काफी अच्छे होने वाले, फ्रंट की तरफ से कैसा होगा कोई आइडिया नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फोन में 6.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले होगा। लीक्स के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें LCD का पैनल इस्तेमाल किया जाएगा, IPS LCD वाला डिस्प्ले होगा, AMOLED डिस्प्ले नहीं होगा। 120 हर्ट्ज का इसमें फास्ट रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, लीक्स के अकॉर्डिंग 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट वगैरह भी मिलेगा। तो डिस्प्ले काफी अच्छा होगा, काफी ब्राइट भी होगा, बट इसमें AMOLED स्क्रीन होती तो काफी अच्छा होता। कैमरे के बारे में बात करें तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया हुआ है। प्राइमरी सेंसर दोस्तों 64MP के इसमें देखने को मिलेंगे, सेकेंडरी और थर्ड सेंसर की जानकारी निकल के नहीं आई है। मे भी दोस्तों 8MP का सेकेंडरी सेंसर देखने को मिले, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर होंगे, एंड 2MP का मैक्रो या फिर डेप्थ सेंसर देखने को मिले। और फ्रंट की तरफ दोस्तों इसमें लीक्स के अकॉर्डिंग 16 या फिर 20MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। इसके कैमरे से दोस्तों HDR पैनोरमा सब कुछ कर पाओगे, साथ में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलेगा 30fps पे। बैटरी के बारे में बात करें तो दोस्तों लीक्स के अकॉर्डिंग इसमें 4200mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और साथ में दोस्तों 66W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। ये फोन दोस्तों LPDDR4X RAM UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आएगा। दोस्तों इस फोन में 3.5mm जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और लीक्स के अकॉर्डिंग दोस्तों इसे 6GB 128GB 8GB 128GB 8GB 256GB के तीन वेरिएंट में लॉन्च किए जाएंगे, और आउट ऑफ बॉक्स ये फोन हार्मनी OS 2 के ऊपर आएगा। लास्ट में दोस्तों बात करें इस फोन के चिपसेट के बारे में, तो लीक्स के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना चिपसेट है, मतलब फोन में बैटरी एफिशिएंसी काफी तगड़ी मिलेगी। ग्राफिक्स के लिए इसमें माली G77GPU का इस्तेमाल किया गया, जो कि सभी तरह के गेमिंग हैंडल कर लेता है, तो परफॉर्मेंस वाइज इस फोन में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइज ये थे इस फोन के लीक हुए स्पेसिफिकेशन। बात करें दोस्तों इस फोन की प्राइस के बारे में, तो दोस्तों अराउंड इस फोन की प्राइस जो रखी जाएगी वो चाइना में 1900-2000 yuan के आसपास इस फोन की प्राइस रखी जाएगी। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 20-22000 के करीब इस फोन की प्राइस रखी जा सकती है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो अभी तक दोस्तों इस फोन के लॉन्च डेट बाहर निकल के नहीं आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इसी मंथ में लॉन्च किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कब तक लॉन्च किया जाता है और किस प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च किया जाता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, कोई सुझाव है दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।